राम राम सारा ने राम राम खम्मा गणी महिला दिए सहज ना प्रोग्राम है शेदी करो मैं बन के आई हूं मिसेस बनी ठणी मैं देखा रसा कसी में भाग लेने को रटांगे दे ओई गांव है तो ताने दिखाऊं फिर लगातार देखता रहा अब आर प्रोग्राम शुरू को योनी आज भावना बहुत सुंदर लग रही है ये फोटो खींचा रही है फोन करो निर्माण था लगे दिल्ली न्यूज़ आवे बताओ फोन किया नहीं पता है ही कौन यहाँ पड़ता है बस बढ़िया ये क्या बने भाग लेने आई है लेडी का दीजिए वहाँ पर अपना नाम लिखवा दीजिए आप किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर मारो क्या ठीक है यहाँ पर लिखोगे आप ही अपना डांस में लिया ना हाँ डांस क्या मिलो मटके मारा भी राम राम सगला ने स्वागत है आज आपने न्यू ब्लॉग में देखो थे आज बहुत ही मेला कुछ को 111वां महिला दिवस आयोजित करी बैठे श्री डोंगर टाइम्स बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखे है सह प्रतिभागी देखो आपस में तय कर रहे है कोई मोबाइल बिजी है उत्साहित है खूब सारा आपके प्रोग्राम को आगे इंतज़ार कर रहे है वीडियो देखो थे लगातार पूरा प्रोग्राम ना पा लगभग कवर करने की कोशिश करी है महिला दिवस री देखने वाला सगला ने मोकली मोकली बताई अब वो आपने ढोल नगाड़ा जगह बाज रहे एसडीएम श्री डूंगरगढ़ जगह आ गया है बंगो स्वागत हो रही है आपने राजस्थान की संस्कृति है अतिथि देव भव है देखो थे लगातार एक बात थान पूछो थे कमेंट कर जरूर जरूर बताया अब वो जगह ढोलक बाज रही है मन तो बहुत ही मतलब बढ़िया लगे प्यारो लगे सुन लो इतो अच्छो लगे थाने मतलब ढोलक ही तरीका हूँ ढोल नगाड़ा जगह बजाए थाने क्या लगे थे कमेंट कर जरूर जरूर बताया अब भी जो अपनी संस्कृति में जुड़ेड़ी ढोलक नगाड़ा है जगह जुड़ेड़ा है बहुत बढ़िया चीज़ है आने भी आपने बढ़िया फंक्शन हुए प्रोग्राम हुए मामा ने सुनना चाहिए बजाना चीज़ है ये वास्ते मैं तो पूछा हूँ थे क्या लगे जो थे जरूर जरूर बताया अतिथि आवे जनाफा तिलक निकाल स्वागत करा देखो आपकी परंपरा आपने राजस्थान की पहचान स्वागत करते हुए
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप इन दोनों का। माता बहना ने सम्मानित करने वास्ते भाभी जी ने अभी मंच पर बुलाया है। अपनी संस्कृति, अपना राजस्थान, अपना देसी अंदाज देखो थे लगातार। अच्छा, आपको वैसे ये भी पता है कि यहाँ पे कुछ अलग अवार्ड भी होने वाले हैं ऑडियंस में से। बेस्ट स्माइल अवार्ड है, तो मुस्कुराते रहे, बिल्कुल मुंह लटका कर ना बैठे। बेस्ट ज्वेलरी अवार्ड है, तो अपने अपने गहने ठीक कर ले। बेस्ट ड्रेसअप अवार्ड है, तो अपने अपने ड्रेसेस देख ले। बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, पता नहीं कहां से कौन देख रहा हो। लेकिन यहाँ ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आजू बाजू वाले भी देख रहे हैं। अच्छा चलो, प्राइस बात में अभी लाइव भी तो जा रहे हो, पूरा डूंगरगढ़ देख रहा है आप सभी को। केवल डूंगरगढ़ ही नहीं, शायद ये पूरे जिले में चल रहा हो। फेसबुक पर पूरा इवेंट श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के पेज पर लाइव चल रहा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपके माताएं बहनें जो नहीं आ पाई हैं, वो घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं। आप जरूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। ज्योति मैडम से फिर से निवेदन कर रही हूँ, प्लीज द्रौपदी मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। कहते हैं किसी कार्यक्रम में जब तक महिलाएं ना हो तब तक ग्लैमर नहीं होता, यहाँ तो ग्लैमर ही ग्लैमर है आज। खुद को देखकर खुश हो कि तालियां बजा लूं। घर से बाहर निकलते समय 15 बार जब तक शीशे में ना देखो तब तक। अब ते सुनो आगे SDM श्री डूंगरगढ़ को उद्बोधन संबोधन भाषण कुछ भी मान लियो। गौरव सुनिया बहुत अच्छी बात कही है आपने महिला शक्ति के बारे में, और भाई आप खुद इतना मतलब विद्वान है, इतना बड़े पद पर पहुंचे हैं। देखो थे सभी को नमस्कार। थैंक यू कपिला इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेरे को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। सेकेंडली थैंक कर्नी हेरिटेज जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, एंड द टीम हु अरेंज द फंक्शन, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आप सब जो तैयार हो गए हैं वो तो सब बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, तो अब खुद के लिए ताली बजाने में इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं महिला दिवस पे ऐसा कुछ महिला वाला सा विशेष नहीं बोलने वाली हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि जिस तरीके से आज आप लोगों में उत्साह है, आपको लगता है कि आज एक पर्व है, एक उत्सव है, एक खुशी का दिन है, मैं ये चाहती हूँ कि हर महिला प्रत्येक दिन ऐसा महसूस करे कि उसके लिए प्रत्येक दिन ऐसा ही उत्सव है जैसा उसके लिए आज 8 मार्च है। मैं काफी जगह जब भी महिलाओं के बारे में बोलने के लिए मेरे को कहा जाता है तो मैं कहती हूँ कि क्यों हम महिला दिवस मनाएं, क्या जरूरत है, क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रही हैं पुरुषों से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम खुद को इतना सशक्त कर लेंगे एक दिन जब अपने को ये दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है पुरुष दिवस मनाने की जरूरत है। आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा, मेरी भगवान से प्रार्थना भी रहेगी कि आप सब प्रत्येक दिन खुद को इतना ही उत्साहित महसूस करें, खुद को सशक्त बनाएं, पढ़ें, अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाएं, उनको मजबूत बनाएं। मैं यहाँ एक पर्सनल चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम चेयरमैन हैं, मेरे एक भाई है। हम किसी भी स्कूल कॉलेज कभी हम साथ में हमारे फादर या भाई को लेके नहीं जाते, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि ऐसे चेयरमैन के बीच में एक भाई कहाँ आ जाएगा, तुम अपना खुद कर लो। हम लोगों को शुरू से आदत है, हम लोग सारा सब कुछ हम खुद ही कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि
ही पड़ गई है, कहाँ भैया को लेके जाऊँ, कहाँ पापा को लेके जाऊँ। इंसान इंसान है, जितना भैया बोल सकता है उतना एक बहन भी तो बोल सकती है। तो आगे से मेरे को नहीं लगता कि आपको कॉलेज स्कूल में कभी भी फादर या भैया की ले जाने की नौबत आए। वो अपनी लाइफ जिए, आप अपनी जिए, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। हर जगह जहाँ आपको लगता है बोलने की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, वहाँ आप डिसीजन लीजिए। और आपका डिसीजन आपकी फैमिली में बहुत वैल्यू रखता है, और आपका डिसीजन वैल्यू रखना भी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ जितनी समझदार जितनी सहनशील एक महिला होती है उतना पुरुष नहीं हो सकता। तो आप धैर्य और समझदारी की मूर्त है, और इसीलिए महिलाओं की विशेष रूप से भारतवर्ष में पूजा होती है। हर देवता से पहले देवी का नाम आता है, तो ये परंपरा यूं ही नहीं पड़ी है। देवियां नो डाउट देवताओं से स्ट्रॉन्ग रही होंगी, तभी उनका नाम पहले लिया जाता है। तो वो परंपरा जो हमारी चली आ रही है वो हमेशा चलती रहे। आप सशक्त रहें, खुश रहें, हर दिन को एंजॉय करें। घर गृहस्थी में कभी कभी मैं फील करती हूँ कि महिलाएं इतनी ज्यादा उलझ जाती है, उनको खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, और कभी कभी कपिला को थोड़ा डिस्टर्ब कीजिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ देख के, और मेरे को अगेन आई एम सेइंग कि मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी श्री गुगलवेल टाइम्स की तरफ से जो सिंगार उत्सव 2022 है मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है जिसके फिलहाल ये मालिक हैं प्रशासनिक अधिकारी सुश्री दिव्या चौधरी। इनका नेतृत्व है बीकानेर या डूंगरगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में लोहा माना गया है। मैं बता दूं आप सभी को कि मैडम ने पूरे राजस्थान में जो निर्वाचन जो हम वोट डालने जाते हैं ना उसकी जो नामावलियां बनती है उसका जो काम होता है उसने पूरे राजस्थान में सभी अधिकारियों को पछाड़ते हुए एक नंबर पे अपना स्थान बनाया है। जोरदार तालियां बजाएं एक बार दिव्या चौधरी के लिए। मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पधारे हुए हमारे सभी सभी जो टोलिया सर, मोमा सर और बेनी सर से जो बच्चे आए हैं उनका खास तौर से वेलकम है कि पहली बार वो इस तरह के किसी आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत स्वागत यहाँ पर। और अब देखो थे डांस, आज ही बहुत ही चार पांच प्रकार का है आयोजन। एक मटका दौड़ कार, एक बड़ी ठनी कार, डांस कार, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो महिला दिन भर घर में और बाजा दौड़ी काम की और रे भी है, तो आज करनी हेरिटेज जो रिसोर्ट है था अपने जयपुर बीकानेर रोड पर श्री डूंगरगढ़ के अंदर जिला बीकानेर स्थान के अंदर स्थित है। तुम बता दूँ पूरा एड्रेस, और श्री डूंगरगढ़ टाइम्स का हमारा श्री डूंगरगढ़ रो मतलब मेन समाचार न्यूज़ चैनल है। तो बाकी तरफ वो प्रोग्राम बट आयोजित करी गए है, तो बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद माने क महिला मतलब आपके जी भागा दौड़ में जी बात हमेशा रे भी है भी हूँ। आज एक दिन है महिला दिवस पर बांग के लिए तो बढ़िया प्रोग्राम आयोजित करे है, तो सब बैठा प्रतिभागी आए है। बहुत बहुत धन्यवाद माने भी, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आयोजित करे है। देखो थे अब आज अठा आपने जज की भूमिका निभाने वास्ते जगह ढोल नगाड़ा बाज रहे है, बांग स्वागत में बाज रहे है, फैशन डिजाइनर है और कई प्रकार का ब्यूटी प्रोडक्ट वे बनावा है। ताजा जज के रूप में बुलाए है, सब स्वागत कर रहे हैं श्री डोंगर टाइम्स का कपिला जी स्वामी बाकी आगवानी करी है। देखो थे बहुत बढ़िया कभी अठा आपने आज पधारे है। प्रतीक है, आपने एक हाउस वाइफ से आगे बढ़कर खुद का होम में नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का व्यवसाय 4 साल पहले शुरू किया था, और आज आपने इस व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। दीक्षा जी आप एक फैशन डिजाइनर हैं, जैसे हमारे करिश्मा जी एक फैशन डिजाइनर हैं, वैसे ही हमारे दीक्षा जी
एक फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ दिल्ली के टेंजॉय एकेडमी से मेकअप आर्टिस्ट का प्रशिक्षण लिया है और बीकानेर के लिए नव भारतीय एकेडमी से फैशन डिजाइनिंग पूरी की है। जयश्री, आप मैम का स्वागत कर रही हैं माल्यार्पण करके और शॉल ओढ़ाकर। केसरी गाने, केसरी फिल्म में जो माही में गाना है उसमें जयश्री जी का भी अभिनय आपको देखने को मिलेगा। जिसने नहीं देखा है वो आप बिल्कुल देखें। और जयश्री, आप श्री डूंगरगढ़ की है, इस कस्बे से उठकर आप उस लेवल तक पहुंची हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, हर दिन नारी दिवस मना लो, एक बार जोरदार तालियां। अमृता मैम से निवेदन करती हूँ, वो कृपया स्टेज पर पधारें और हमारे बीच पधारें आज की तीसरी जज मेघा जी गुजारी का माल्यार्पण और शॉल उनको प्रदान करके उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारी तीसरी जज के लिए। मेघा जी, आप एक एडवोकेट हैं, ज्वेलरी डिजाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एंकर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वेडिंग प्लानर हैं और इनके सहित कई खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आप कई सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं और आपने अपना खुद का ब्रांड सांच को स्थापित किया है। आप कई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और आपने अभी तक 9 प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारी मल्टी टैलेंटेड मेघा। आप बीकानेर के महिला जगत में ऐसा नाम है जो पूर्णतया महिला उत्थान को समर्पित है। आप महिला हुनर प्रशिक्षण केंद्र की निर्देशिका हैं और आप कई एनजीओ से जुड़ी हैं और आपको अनेकों जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आप एक अध्यापिका हैं, प्रशिक्षिका हैं और समाज सेविका के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। राधा जी से निवेदन है, आप इनका माल्यार्पण और शॉल अर्पित करके स्वागत करें। जोरदार तालियां। देखिए, महिला दिवस को मनाने की उपयोगिता क्या है, ये राधा वर्मा को देख के आपके समझ में आएगा। इन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी मैं विशिष्ट हूँ और मैं स्टेज पे परफॉर्म करना चाहती हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। वेलकम इसलिए कि 111 महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस महिला दिवस की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है समानता। समानता समाज से लिंग भेद को खत्म करने की। समानता, अगर कोई जैसे कोई ठीक है और अगर कोई थोड़ा शारीरिक रूप से, देखिए ये ईश्वर की दी हुई जो नियामत है उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। तो मैं जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से राधा के लिए। और अब देखो थे ये बनी ठनी जिक्यो आयोजन करियो है बिंगा जी का भाग लेने वाला है। सब स्टेज पर आसी और सबरो अंदाज न्यारो न्यारो है। आपनो रंग बिरंगो बिकाणो या आपनो रंग बिरंगो राजस्थान जो कबो कही जाए ये वास्ते कही जाए। आपनो पैरान, आपनो चाल ढाल तो भी वजह एक कहावत है जिसकी बनेड़ी है। देखो ते लगातार बहुत ही माता बहना जगाठ आए है, सब बहुत ही मेहनत कर तैयार हो रहे है और आज रे दिन रो जिसको 111वां महिला दिवस है इनको मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब महिला ने जिसको इज्जत और मान सम्मान मतलब मिलनो चाहिए। और आपने घर की मेन जिकी धुरी है वह महिला ही है। एक आपने घर को मान सम्मान एक महिला भी मने है। ये शुरुआत में जिका थारू कम्मा गणी करी बे है भावना बहन। देखो थे लगातार SDM श्री डूंगरगढ़ जो उद्बोधन दिया वो भी थे सुनियो, बहुत बढ़िया बात कही। महिला भी कोई मामला भी यहाँ कम गोनी
तो अनापन कम नहीं आंकना चाहिए, बराबर मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए। बाकी तो समाज में आजकल हर वर्ग में, प्रशासनिक पदों पर, राजनीति में, हर जगह महिला है ही, फिर भी कई जगह शिक्षा थोड़ी कम है और थोड़ा लोग समाज में थोड़ा लोगों के मन में विचार थोड़ा अलग है। चलो अच्छी धीरे धीरे दूर जैसे अभी एक प्रकार जिकी कुरीतियाँ जिकी है भी तरीका एक प्रकार की कुरीति है अपने दिमाग की और कोई चीज़ को नहीं। और आपने जो पहरान है अब देखो, आपने जो पहरान है अभी आया स्टेज पर, आपने जो पहरान है, आपने जो रहन सहन है, आज की अपनी संस्कृति है, बस और इनमें महिला रहे है और आपने जगह सभ्यता संस्कृति शालीनता तो बहुत बढ़िया रहे है। देखो थे लगातार आज को आयोजन मन तो बहुत ही बढ़िया लगे हो, थन क्या लगे थे कमेंट कर जरूर जरूर बताया। और बहुत तो थान ध्यान ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पे भी कर दिया। और किसी आयोजन आज के प्रोग्राम में थान बढ़िया लगे हो, मटकालो है अभी जी आगाज ही और ओ है अभी जो चाल रहे स्टेज आलो, या आज को आपने एसटीएम और श्री डोंगो टाइम्स का जिका है कपिला जी स्वामी बांगो उद्बोधन बांगी कोई बात था ने, अगर कुछ भी अच्छा लगे हुआ है तो जरूर जरूर बताया। आज क्या था क्या लगी अभी बताया। और मारा मारो जो मतलब इन्हें पूरे कार्यक्रम ने जो मैं करियो रिकॉर्ड करियो भी मैं थाने की कमी समी लगी भाभी बताया, कोई दिक्कत को नहीं। और थारे को मेट्रो इंतज़ार है सी स्वागत है और बांगो सबरो जवाब देशियाँ। तो देखो लगातार बहुत ही बढ़िया आयोजन है, आयोजन में जी मतलब थाने थे भी थारा विचार बताया कि इनमें और क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए वो भी थे बताया। और वो तो जी हर साल हुआ है कि आप 8 मार्च 2023 ने भी आयोजन उसी वो भी संभव सी 8 अगर आप हूँ तो जरूर दिखा सिया थाने ते तारी राय जरूर देता रहा करो। देखो लगातार मटका दौड़ और वो अंदर अपनी सीट पर बैठ सकते हैं।